वज़ीर-आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की वज़ीर-आज़म शहबाज़ शरीफ से मुलाकात, वफ़ाक़ी ज़िम्मे सूबे के वाजिबुल अदा बक़ायाजात के मामले पर गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती से मुतालिक भी बातचीत की गई। वज़ीर-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात और दीगर इंतजामी अमूर भी ज़ेरे गौर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सियासी जमात नहीं, उन्हें मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का पेशावर हाईकोर्ट में मौकिफ। पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तसव्वुर किया जा रहा है? पार्लियामेंट में उनके अरकान हैं तो सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अख्तियार किया कि देखना है कि इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद सेक्शन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है या नहीं। मखसूस नशस्तें सिर्फ इसी जमात को मिलती हैं जिसने पहले से फहरिस्त जमा करवाई। सीटें खाली नहीं रखी जा सकती। फारूक नाइक बोले, सुन्नी इत्तेहाद ने भी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया, वो नशस्तों के अहल नहीं। नून लीग के वकील का पेशावर हाईकोर्ट के केस सुनने पर इतराज मुस्तरद, मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ अपीलें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना है कि बानी पीटीआई पर तो 180 मुकदमे हैं, रोज़ एक वकील मुलाकात करे तो 180 दिन बाद बारी आएगी। सुपरिटेंडेंट जेल के पास जवाबदेही इख्तियारात होते हैं, देकर इस्तेमाल करें। जजमेंट के जरिए कोई कानून और कायदा नहीं तोड़ रहे, सिर्फ तरीके कार वाज़े किया गया। वकील ने कहा कि वकला को जेल में अलैदगी में नहीं मिलने दिया जाता। अदालत ने हमारी सदा मंजूर की थी, जेल में मुलाकात पर ही पाबंदी लगा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस पर मुनासिब हुक्म जारी कर देंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, हमने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, मगर पार्लियामेंट में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हुकूमत के साथ किस पर मज़ाकरात करें, हमारे तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। चेयरमैन तरीके इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है कि हम कोशिश करते हैं बर्फ़ पिघले और आगे बढ़ें, हुकूमती इकदाम हमें दोराहे पर ले जा रहे हैं। बानी पीटीआई से मिलने आते हैं तो भी गदगन लगाया जाता है। मौजूदा काबीना भी निगरान सेटअप के ही लोग लाए गए, हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं। जस्टिस तारिक मसूद की रिटायरमेंट से सुप्रीम कोर्ट में इंतजामी तब्दीलियां। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा बन गए। जजिस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन में भी तब्दीली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी रुकन बन गए। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी की नशस्त पर आसिफा भुट्टो को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद एनए 207 नवाब शाह की नशस्त खाली हो गई। इससे कबल आसिफा भुट्टो को बिलावल की खाली नशस्त एनए 196 शहदाद कोर्ट से मुंतखब करवाने का फैसला हुआ था। सिंध में सेनेट की दो खाली नशस्तों पर इलेक्शन के इंतजाम मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने जाम सैफुल्ला धारेजो और असलम आबड़ो को टिकट जारी कर दिया। सिंध में नज़ीरुल्ला और शाजिया सुहेल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार नामजद। सेनेट की दोनों नशस्तों पर पीपल्स पार्टी को 116 अरकान की वाज अक्सरियत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 9 है। ज़राए के मुताबिक एमकेएम सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए पंजाब हुकूमत के अहसन इकदाम। 6 जून से सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। प्लास्टिक बैग्स बनाना खिलाफ कानून होगा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर गौर। भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के विजन के मुताबिक मयारी ज़िंदगी हर फर्द का हक है, इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। नॉर्थ नाजमाबाद कराची से लापता बहन भाई मिल गए। एयान और अनाबी अपनी मर्जी से घर से निकले। बच्चों के मुताबिक एक अंकल और आंटी के घर रात गुजारी। नानी और खाला तशद्दुद करती थी इसलिए घर से निकले। वालिदा ने बताया कि उन्हें किसी प्राइवेट नंबर से फोन आया।
बच्चों की बाजियाबी की इत्तला भाई को दी। पुलिस और रेंजर्स ने बच्चे मामू के हवाले कर दिए।